हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिंदी लैंग्वेज। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से काम करने की जानकारी होती है उसको हम क्रिया कहते हैं। धातु, धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। जैसे लिख, लिख क्या है? मूल रूप है किसका? क्रिया का। तो ये धातु हो गई लिख, ओके। और क्रिया में यदि हम इसको कर देंगे लिखना, तो ये हमारी हो गई क्रिया, ओके। अब देखिए आ रहा है क्रिया का भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कि कर्ता के साथ कर्म होता है, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया है, यानी कर्म साथ में है। अकर्मक इसमें कि कर्म साथ में नहीं होता है। जैसे पक्षी उड़ रहा है, पक्षी कहाँ उड़ रहा है ये नहीं पता आपको, तो ये हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। नीता गाना गाएगी, इसमें कर्म है। नीता क्या गाएगी? गाना गाएगी। यानी कि यदि हमें कोई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वो हमारी क्या है? सकर्मक क्रिया है। और जिसमें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं वो हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्वि कर्मक। एक कर्मक क्या है? जिसमें कि हमारा एक से देखिए एक एक कर्म होता है। एक कर्मक यानी कि एक कर्म होता है। सीता आगरा जाएगी, तो एक ही है ना, आगरा जाएगी, और जगह तो नहीं है। अब द्वि कर्मक क्या है? सेठ ने गरीबों को कंबल दिए, ओके। क्या दिए? कंबल दिए। तो सेठ ने किसको कंबल दिए? गरीबों को। क्या दिए? कंबल। यानी कि हमारे पास में दो कर्म है, इसलिए इसको द्वि कर्मक कहते हैं। इस चैप्टर को आप हमसे रीड करिएगा, इसकी परिभाषाएं आप रीड करिएगा ढंग से, और एक्सरसाइज आपको खुद फिल करनी है, ओके स्टूडेंट्स। अरे भगवान।